आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंदोश में आपका स्वागत है। मैं कराम, बात करते हैं यूपी टेट एग्ज़ाम की, जो कल कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि इसका पर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से लीक हो गया था। किसने ये लीक किया था? काफ़ी सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवान जो बेचारे पढ़ लिख कर कोई सेंटर चला रहा था, कोई खेती कर रहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, अचानक इनके दिमाग में आया कि क्यों ना बड़ा पैसा कमाया जाए। और तकरीबन इनका प्लान था 125 करोड़ रुपए का, क्योंकि एसटीएफ ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी कहानी यही निकल कर सामने आई है। वैसे इन लोगों ने 21 लाख छात्रों का भविष्य एक तरह से अंधकार में डाल दिया है, क्योंकि 21 लाख छात्र एग्जाम देने वाले थे और पहली ही शिफ्ट में एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद, पेपर हाथ में आने के बाद उन लोगों को पता चला कि भैया आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट में एग्जाम होना था उन लोगों को जानकारी दे दी गई यूपी सरकार ने, और खुद योगी जी ने कह दिया कि जो अभ्यर्थी जो एग्जाम देने आए हैं वो घर तक जाएं, कोई किराया नहीं लगेगा, एडमिट कार्ड दें और चले जाएं, दोषों को हम नहीं बख्शेंगे। उन्होंने कल एक रैली में भी आह्वान किया, एक तरह से इसको राजनीति में फायदा लेने की कोशिश भी की गई कि हम लोग अभ्यर्थी के साथ हैं। खैर, एसटीएफ ने काफी सारे लोगों की गिरफ्तारी की है जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम कुछ सामने ज्यादा आए हैं। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूं कौन कौन ये लोग हैं और इन लोगों ने किस तरह से ये पूरा एग्जाम लीक करने का प्लान बनाया था। एसटीएफ ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, इस गैंग का नाम है सोलवार गैंग। इसके काफी सारे सदस्य हैं जो बहुत शातिर तरीके से इस तरह के एग्जाम को लीक करने की पूरी तरह से प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद मार्केट में इसको लीक कर देते हैं। ये एग्जाम भी लाखों में बेचने का इन्होंने प्लान बनाया था और जिसके चलते इन्होंने काफी सारे अभ्यर्थियों से जो एग्जाम देने वाले थे उनसे 50,000 रुपए एडवांस ले लिए थे। पूरा प्लान था कि तकरीबन 125 करोड़ रुपए ये लोग कमाएंगे, उसके बाद ये आपस में बांट लेंगे। इस पेपर को बेचने के लिए इन लोगों ने सेंटर, जो कोचिंग सेंटर है जहां पर इस तरह के लोग जो जिन्हें शिक्षक बनना है वो ट्रेनिंग ले रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, उन लोगों को इन्होंने ढूंढा, उनसे बात की और 2 लाख रुपए में उनसे सौदा हुआ। पहले आपको 50,000 देने हैं, जब आपके पास पेपर हो जाएगा, पेपर आप लोग कर लेंगे, तब आप बाकी के 1.5 लाख रुपए में दे सकते हैं। ये इन लोगों ने सौदा किया था। इसके बाद इन्होंने तकरीबन 60 लोगों को शिकार बना लिया था। 60 लोग इनके झांसे में आ गए थे जिन लोगों ने पेपर लेने की बात कही थी और 50,000 रुपए देने की बात कही थी, जो दे भी चुके थे ज्यादातर। इसके बाद इन्होंने एक दिन पहले यानी कि शनिवार को, परसों शनिवार था, शाम को ही पेपर इनके पास पहुंचा दिया। अब वो कैसे पहुंचाया वो भी जरा ध्यान से सुनिए। इनके पास जो पेपर था जहां से भी इन्होंने लीक कराया, जैसे इनके पास पेपर पहुंचा तो इन्होंने उसकी कॉपी फोटो खींचकर सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों के पास पहुंची। फिर वो जिन लोगों के पास पहुंचा उन लोगों ने शायद अपने दोस्तों के साथ शेयर किया उस चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए उसको वायरल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि पेपर लीक हो चुका है। एसटीएफ ने जब जांच की तो इसमें एक नाम आया धर्मेंद्र का, जिसे मेरठ एसटीएफ ने बुटराडा बिजली घर के पास से धर्मेंद्र और मनीष दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 50 पेपर की फोटोकॉपी मिली है और 17,000 रुपए बरामद हुए। उसके बाद इनसे पूछताछ की गई तो आगे आरोपियों के और नाम निकल कर सामने आए। पेपर लीक कांड के 4 मेन किरदार हैं, जिसमें 4 आरोपी यानी कि मुख्य बनाए गए हैं। 4 आरोपी, एक का नाम रवि जो कांधला, एक कस्बा पड़ता है कांधला शामली जिले में पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ का एक गांव है नाला, उसका रहने वाला है, 12वीं पास है महज, अपने पिता के साथ खेतों में काम करता है, लेकिन जल्दी अमीर बनने की चाहत थी तो इस गैंग के साथ जुड़ गया। और फिर उसके बाद जो अभ्यर्थी थे जो कोचिंग सेंटर में जाते थे उनको निशाना बनाकर शायद उनसे एक तरह से सेटिंग की कि हम आप लोगों तक पेपर पहुंचा देंगे, बदले में आप हमें पैसे देंगे, बदले में आप हमें 2 लाख रुपए देंगे, जिसके चलते 50,000 रुपए इन्होंने एडवांस लिए थे। दूसरा शख्स है जिसका नाम है मनीष मलिक, ये झाल गाँव का रहने वाला है, इसी जिले का, ये 2016 में BA पास कर चुका था और अपने हरियाणा के कुछ दोस्तों के साथ देहरादून के अंदर, उत्तराखंड देहरादून यानी कि उत्तराखंड की राजधानी, वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर चलाता था, लेकिन लॉकडाउन में वो बंद हो गया तो बेरोजगार था, फिलहाल गांव में ही था। उसके बाद ये भी जल्दी अमीर बनने की चाहत में और पैसा बनाने की चाहत में इस गैंग के साथ जुड़ गया। तीसरा धर्मेंद्र, जिसे मेरठ एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, ये भी झाल गांव का रहने वाला है और अपने पिता के साथ खेत में ही काम करता था, महज 12वीं पास है, लेकिन पैसा कमाने की चाहत थी तो वो भी इस गैंग के साथ जुड़ गया। चौथा फिलहाल फरार है, जिसका नाम अजय बताया जा रहा है, वो भी 12वीं पास है और वो भी नाला गांव का रहने वाला है, यानी कि रवि
और अजय दोनों एक गांव के रहने वाले हैं और मनीष और धर्मेंद्र दोनों एक गांव के रहने वाले हैं, आसपास ही एक गांव पड़ते हैं। ये चार लोग जो फिलहाल इसमें मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं ये गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अजय फरार है इसमें अभी, लेकिन इन लोगों ने तकरीबन 21 लाख छात्रों को धोखा दिया है, उन बेचारों को फिर से एक बार तैयारी करनी पड़ेगी। इस मामले को लेकर विपक्ष भी बीजेपी सरकार पर हावी हो चुका है। जो इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है तो तमाम नेता इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को कोस रहे हैं। उनका कहना है कि भविष्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी वो भी चुनाव लड़े हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने भी इस बात को लेकर योगी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये छात्रों के साथ बहुत गलत हो रहा है, इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। दूसरा अखिलेश यादव वो खुद इस पर ट्वीट कर चुके हैं, यानी कि तमाम जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो सब इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि ये पेपर कब होगा और कब और लोगों की गिरफ्तारी होगी। आप लोगों को जो कुछ कहना है इस पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।